आज से करीबन 2-3 साल पहले मैंने कहा था एक बात, अमेरिका किसी को फोकट में चिंगम भी नहीं देता, इस बात का याद रखना। इसी तरह ये इतना शक्तिशाली देश नहीं बना है, फोकट में कुछ नहीं है, नथिंग, जीरो। इनकी फौज भी चाहिए ना तो बिल चुकाना पड़ेगा, याद रखना इस बात का। ट्रंप जब आया था यहां पे राष्ट्रपति बना था तो उसने बोल दिया था कि मेरी फौज चाहिए तो उसका बिल चुकाओ, अमेरिकन बच्चे मैं नहीं भेजने वाला लड़ने के लिए। और अब पूरे उसके 3.5-4 साल होने वाले हैं, उसने फौज अपनी कहीं नहीं भेजी। अभी क्यों भेज रहा है, दिमाग लगाया है कुछ? अमेरिका ने जहां जहां हाथ डाला है ना, वो देश आखिरी में बर्बाद हो गए। कितने एग्जाम्पल हैं, कितने उदाहरण हैं, तुम लोग देख सकते हो, अफगानिस्तान, इराक, कितने उदाहरण होंगे इतिहास में, देख लेना। एक बात समझाता हूं तुम लोगों को, यहां पे जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बने हैं ना, वैसे ही नहीं बने, उसके पीछे रीजन है बहुत बड़ा। उसके पीछे रीजन क्या है? धंधा। क्या रीजन है? धंधा। तुम लोग वहां बैठ के बड़ी डींगे मारते हो ना कि इंडियन है, सीईओ है यहाँ का, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के चेयरमैन हैं, ये सब हैं। जब तुम लोगों को सहूलियत लगती है ना, तब उन लोगों को तुम इंडियन बना लेते हो, वैसे तुम लोग अप्रवासी भारतीयों को गालियां बकते रहते हो। देखो, तुम लोगों में इतनी बुद्धि है नहीं, जियो पॉलिटिक्स तुम लोग नहीं समझ सकते। अगर तुम लोगों में इतनी बुद्धि होती तो चीन से सामान खरीदा हुआ तुम तोड़ते नहीं, तुम उसको खोलते और देखते इन्होंने इतना सस्ता सामान बनाया कैसे, तुम्हें तोड़ दिया, उसको बंगार में डाल दिया कि तुम्हारे सर में गोबर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? गोबर। इससे ज्यादा तुम लोगों की अहमियत है नहीं। और तुम लोगों को क्या लगता है, जो तुम लोग ये करते रहते हो सोशल मीडिया पे, इससे किसी को कुछ पड़ता है फर्क? प्रधान सेवक को दिन रात गालियां पड़ती है, उनको फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तुम लोग उनसे भी नहीं सीखते हो, कुछ नहीं सीखते। तुम लोग आज की तारीख में देश में सबसे बड़ी पनौती हो, सबसे बड़ी पनौती। मैंने एक वीडियो डाला था एक महिला का, उसी में साबित हो गया था तुम लोग अपने घर की महिलाओं की कितनी इज्जत करते हो। तभी तो मैं हरदम बोलते रहता हूं, ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम चलते हैं इंडिया में, ये कुछ नहीं हो सकता, नथिंग। रेप करते हुए तो वीडियो डालते हो, इतनी हिम्मत है कि रेप करते हो उसका वीडियो भी बनाते हो और वो भी डालते हो? कभी सुना है किसी देश में ये सब चीजें? क्योंकि तुम लोग मंद बुद्धि हो, तुम लोगों को रखा गया है। जैसे जानवरों को पालते हैं ना, वैसे तुम लोगों को पाला गया है। बाकी साहेब जो इधर आते हैं अमेरिका हमसे मिलने, हम नहीं जाते, वो आते हैं, इतना बड़ा फर्क है। तुम लोग को जो बोलना है बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो हजार बार ही बोल चुका हूं, तुम्हारी माँ हमारी माँ, तुम्हारी बहन हमारी बहन, तुम जो गालियां बकते रहते हो, ये सब करते रहते हो, इससे किसकी सेहत पर फर्क पड़ता है? तुम्हें लगता है? अभी तुम लोग आगे आगे देखते रहो, 6 महीने के अंदर अंदर, आज की तारीख नोट कर लेना, 6 महीने के अंदर अंदर लाले पड़ जाएंगे दो वक्त की रोटी के, लाले पड़ जाएंगे दो वक्त की रोटी में, सारी अनभक्ति बाहर निकल आएगी। जब बच्चे भूखे सोएंगे और या फिर पंखे पे लटके मिलेंगे ना, सारी अनभक्ति निकल जाएगी। इससे बेहतर है कि काले को काला बोलो और सफेद को सफेद बोलो, नहीं तो तुम्हारे मुंह पे ऐसी कालक पोती जाएगी कि तुम लोग समाज में उठने बैठने लायक नहीं रहोगे। और एक बात और समझा देता हूं मैं जाते जाते तुम लोगों को, तुम लोगों की नौकरियां तो जाएगी जाएगी, नौकरियां मिलेगी भी नहीं। जितनी कंपनियां ना आज की तारीख में, सब सोशल मीडिया चेक करती है इंटरव्यू के बाद, सब लोग समझते हैं वो बड़ा अच्छा से अच्छा मैं इंटरव्यू दे के आया, मुझे तो नौकरी मिल जाएगी। पता लगा 24 घंटे में नौकरी नहीं मिली, मालूम है क्यों? सोशल मीडिया। तुम्हारे बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, तुम्हारे खुद के रिश्ते नहीं होंगे जब तुम्हारा सोशल मीडिया कोई देखेगा। तुम्हें लगता है कोई इंसान अपनी बेटी अपनी बहन तुम्हारे हाथ में देगा सोशल मीडिया देखने के बाद? उसे मरना है? जो बाहर की महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, वो अपनी इज्जत क्या करेंगे अपने घर की महिलाओं की? शुरुआत हर चीज अपने से होती है, अपने घर से होती है। तो तुम्हारा जो ये
तुम्हारी जो बुद्धि है ना उससे साबित हो जाता है कि तुम लोग अपने घर की महिलाओं की इज्जत नहीं करते, किसी की माँ की इज्जत नहीं, तुम्हें किसी की बहन की इज्जत नहीं, कुछ नहीं। तुम लोग बहुत ही नीच लोग हो यार, और नीच को नीची कहूंगा। और अब तुम दोबारा इसी वीडियो के नीचे प्रमाण करोगे कि तुम वाकई में नीच हो 101%। मेरी बात का ध्यान रखना, जो जमीन पर मैं खड़ा हूं ना, ये लोग इस तरह अपनी फौज नहीं भेजते। बिक गए तुम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।